हाय गाइस, मैं शालू मीना। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है ईद का मेकअप, जो कि गाइस मैंने फर्स्ट बारी किया है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो गाइस, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं देखूँ जैसे ईद पे दिखते हैं सब, क्योंकि मैंने फर्स्ट बार ये मेकअप किया है। तो गाइज़, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ ईद के फंक्शन के लिए। तो गाइज़, मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ जॉय का मॉइस्चराइज़र। सेकंड मैंने लिया है डॉक्टर टेप, जिससे मैं अपने आईज़ के कॉर्नर पे लगाऊंगी, ताकि कुछ ज़्यादा फॉल आउट ना हो इधर उधर और अच्छा सा आई शेडो आए। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन। और गाइस, एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इसे अपने आईज पे लगाऊंगी। आप चाहें तो कंसीलर भी लगा सकते हैं। कलर सेंस का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे मैं अपना फाउंडेशन सेट करूंगी। और गाइस, आई शेडो के लिए मैं ले रही हूँ ये SFR का प्रो आई शेडो पैलेट, और जिसमें से ये मैं डार्क ब्राउन शेड लेकर अपनी आईज पे लगाऊंगी। ले रही हूँ ये ऑरेंज शेड, जिसको भी मैं थोड़ा लाइट करके ही आईज पे लगाऊंगी अपने। नेक्स्ट मैंने उसी पैलेट में से एक ग्रीन शेड लेकर अपने आईज के लिप पर लगाया है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये सिवाना का पैलेट, जिसमें से मैंने एक मोंगिया शेड लेकर अपने आईज पर लगाया है, जो कि ग्रीन शेड था पहले, उसी पर दोबारा लगाया है। मैं इसे अच्छे से लेकर ब्लेंड करूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। मैं ले रही हूँ ये ग्लिटर पैलेट, और जो कि क्यूमिडे का नहीं है, ये मैंने खुद ही बनाया है। गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और ये मैंने खुद ही बनाया। और आप भी इसको इजीली बना सकते हैं घर पे। आप अगर आपके पास कोई खाली आई शेडो पैलेट पड़ा हो तो उसमें आप ऐसे बना सकते हैं। और मैं इसको अपनी आईज पे लगा रही हूँ ग्रीन शेड। आप देख सकते हैं जहाँ पर मैंने ग्रीन आई शेडो और मोंगिया वाला आई शेडो लगाया है, तो गाइस उसी के ऊपर मैं ग्रीन ग्लिटर भी लगा रही हूँ। है ये गाला ऑफ लंदन का लाइनर है। तो गाइज, आज मैंने इसमें गाला ऑफ लंदन का लाइनर और मस्कारा भी गाला ऑफ लंदन का ही यूज किया है, बट गाइज ये वाटरप्रूफ नहीं है।
नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मालियो का प्राइमर, और गाइस ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और क्रीम बेस प्राइमर है ये। मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वापस ही स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, और ये गाइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल फाउंडेशन है। ले रही हूँ ये मार्स की 3D कॉन्टोर स्टिक, और गाइस ये बहुत ही अच्छे स्टिक है और बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है क्रीम बेस। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मार्स का मेरा कॉन्टोर पैलेट, और जिसमें गाइस कॉन्टोर हाइलाइटर कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्रॉन्जर इसमें सभी शेड्स है। से मैंने लाइनर यूज़ किया है, थोड़ा विंग्स बनाया है। गाइस ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपको पूरी ही तरह से आपका फाउंडेशन ठीक से लगाने को मिल जाता है। अगर आप पहले ही इसका विंग्स निकाल देंगे बाहर, मतलब विंग्स लाइनर आप पहले ही लगा लेंगे, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है फाउंडेशन ब्लेंड करने में, तो मैंने ये इसलिए बाद में लगा। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ सिवाना में से ही ब्लैक आई शेडो, और गाइस मैंने इसे अपनी आईब्रो फिल की है। आप चाहे तो पेंसिल से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी ब्लैक शेड आप ले सकते हैं, ब्लैक आई शेडो, तो गाइस उससे भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का काजल, तो गाइस मैं इसे अपने वाटर लाइन पर लगाऊंगी। तो गाइस ये SFR का पैलेट मैंने दोबारा लिया है, और इसमें से फिर से ही ये ब्राउन शेड लेके मैं अपनी लॉलैश पे लगाऊंगी। आप देख सकते हैं, आप इससे लगाएंगे तो आपका काजल भी जो आपने लगाया है बाहर की साइड वो अच्छे से सेट रहेगा, और आपकी आंखें बहुत ही बड़ी और अच्छी लगेंगी। और गाइस नेक्स्ट मैंने ये ग्रीन शेड ही लिया है, वही मोंगिया शेड, और इसे मैंने दोबारा से अपने जहाँ पर मैंने ब्राउन शेड लगाया था अपने लॉलैश पे, तो गाइस वहीं लगाया है। और दूसरा मैं ले रही हूँ ये गाला फ्लंड का मस्कारा, और गाइस मैंने कोई भी फेक लैश नहीं यूज़ की है क्योंकि आप समझ सकते हैं मुझे थोड़ी इससे इरिटेशन होती है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये इन कलर का हाइलाइटर, जिसे मैं अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पे और अपनी हाइलाइट करने के लिए ब्राउ बोन पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मार्स का ब्लश पैलेट, और देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा है ये गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है हार्ट शेप में, और इसके कलर्स भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो मैंने इसमें से लाइट शेड लिया है और वो सेकंड नंबर का है। और मैंने ही वापस से ही इन कलर का हाइलाइटर लिया है, जिसे मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, अपनी नोज़ मुझे हाइलाइटर बहुत ही पसंद आता है, इससे एकदम आपका चेहरा ऐसे चमकने लग जाता है और ग्लो करने लग जाता है, इतना अच्छा। और गाइस नेक्स्ट लिया है ये मैंने मार्स का लिप ग्लोस, और गाइस ये आप देख सकते हैं
मैं दोबारा से ही यही पेंसिल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी ये फेवरेट कलर है और ये बहुत जल्दी ही ख़त्म भी होने वाला है। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये मार्स की ही लिपस्टिक है जिसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो गाइज डिस्क्रिप्शन देर से लिखने के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपने घर का काम में से थोड़ा उसके लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है लिखने के लिए, तो गाइज उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये ग्लैम 21 का मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी। तो गाइज मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।